हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिलोजिस्म पढ़ने वाले हैं। बहुत बच्चे लोग इसे रोने लगते हैं कि अरे भाई ये बहुत टफ होता है, लेकिन आज आपका ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपका रोना खाना बंद हो जाएगा। देखिए, जनरली छोटा मोटा एग्ज़ाम जो मतलब बैंकिंग और मतलब जो UPSC लेवल छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो एग्ज़ाम है यही चार पे पूछता है, सम पर, ऑल पे, नो पे, सम नॉट पे, ठीक है। अब देखिए, ये चार तरह का स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट के कंक्लूजन का तीन रूल है, ये तीनों रूल आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट कंक्लूजन मतलब कि जो स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात लिखा गया, निगेटिव बात नहीं लिखा गया, नॉट वर्ड यूज नहीं किया गया है, सम आर दिस, ऑल आर दिस, इस तरह का पॉजिटिव बात जिससे पॉजिटिव सेंस निकल रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट रॉन्ग है कोई भी डायग्राम से तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम से भी अगर वो रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अगर स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव है, मतलब जो 1-2 स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव में दिया है तो उसको गलत मानेंगे, ठीक है। और बैंकिंग, SSC, रेलवे, ये सब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 1-2 और कंक्लूजन में भी वही स्टेटमेंट वहाँ सेम टू सेम उतारा हुआ है तो उसको भी गलत मानेंगे। ये तीन एग्जाम पूछ रहा है, तो बैंक, SSC, रेलवे, अगर जो स्टेटमेंट पूछा है 1-2 बने राम श्याम है, राम आम खाता है, और यहाँ कंक्लूजन में भी लिख लिया राम श्याम है, तो वो उसको गलत मानेंगे कंक्लूजन को। मतलब स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में तो वो गलत होगा। तो तीनों रूल, यही तीन रूल पे पूरा दुनिया है। देखिए समझ में आएगा क्या है, जब तक ले आप जो है क्वेश्चन नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सम ए आर बी और सम बी आर सी, है ना। तो पहले देख लीजिए फिगर कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड में फिगर देखिए, सम ए आर बी और सम बी आर सी, इस तरह से ही बनेगा। मेन डायग्राम तो सही बनेगा, कुछ ए बी है तो ए और बी इसमें मिक्स हो जाएगा, कुछ बी सी है तो ए और सी, बी और सी मिक्स होगा, ए और सी में कुछ कनेक्शन दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो इसको हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, अलग बनाएंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज अगर बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। जब पॉसिबिलिटीज देखना है तो पॉसिबिलिटीज अगर देखना है तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब इस पर जो है हम आपको खाली समझा रहे हैं, लास्ट में बोर्ड पे समरी बताएंगे, वही समरी से सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी हम बेसिक समरी को लाने के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया है सम बी आर ए, ये सही होगा कि गलत होगा, सम बी आर ए सही होगा, सम सी आर बी ये भी सही होगा, सम ए आर सी ये गलत होगा, ठीक नहीं होगा गलत। क्यों? क्योंकि कुछ पूछा है ना, निगेटिव सेंस में नहीं लिया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, उसमें आपको पूरा लिखा हुआ है, फाइनल कंक्लूजन ही आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए जो है सी से रिलेटेड नहीं है तो ये गलत हो गया। अब हमको क्या समझना है, इसमें दो सही हुआ, बी और ए और सी और बी, ए और सी गलत हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी, ऑल वर्ड जब आ गया, ठीक है, यहाँ पे सम दिया था यहाँ पे ऑल आ गया तो गलत होगा ही, क्योंकि ऑल तो नहीं होगा ना। उसके बाद देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी, सम बी आर सी। अभी हम अभी रूल में आपको बताए हैं कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन निगेटिव देगा तो गलत होगा, तो बिना पढ़े गलत मार देना है, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन जो है निगेटिव दिया हुआ है और स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बिना पढ़े गलत मार देना है, ये भी बिना पढ़े गलत मार देना है। तो पूरा पूरी हम इतना से खाली आपको क्या निष्कर्ष निकला पता चला, कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ होता है, समझ में आ रहे हैं। जब कुछ होता है तो खाली कुछ कुछ होता है, बाकी कुछ भी ना होता है। जब भी क्वेश्चन में आपका सम सम दिया रहेगा तो कुछ होगा, लेकिन ऑल, सम नॉट, नॉट एनी, ये सब देखते ही ठोक देना है गलत। अगर दोनों स्टेटमेंट सम आएगा तो खाली पूछे कुछ होगा, उसमें आपको चेक करना है, बाकी में चेक भी नहीं करना है, सीधे गलती ठोक देना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट,
अब दूसरा स्टेटमेंट ऑल पे समझ लीजिए, ऑल दिया रहेगा तो हमको क्या माइंड में आना चाहिए, सम दिया रहेगा तो माइंड में समझ में आएगा क्या आना चाहिए, खाली कुछ वाला चेक करना है, बाकी चेक ही नहीं करना है हमको, ठीक है। ऑल वाला में देखिए, फिगर देख लीजिए पहले, ऐसा ही बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, या फिर ए बी सी, तीनों में पॉसिबल डायग्राम तो पूरा मिक्स हो जाएगा, है ना। तो पॉसिबिलिटीज मेन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, पॉसिबल में ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी सी सब एक में है ना, तो पॉसिबल भी देखना पड़ता है, क्योंकि उससे भी आपको आगे समझ में आएगा कैसे होता है। तो ए बी सी अगर हम अंदर से बाहर की ओर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे सम ए आर बी, ए आर बी बोले तो अंदर से बाहर पूछा है ना, अंदर से बाहर बी आर सी, अंदर से बाहर ए आर सी, अंदर से बाहर है ना ए आर बी, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर पूछा है, तो देखिए कौन कौन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए कौन कौन सही होगा, अंदर से बाहर पूछा है तो एग्जांपल से समझ जाइए, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, मुंबई कुछ मुंबई मतलब महाराष्ट्र में है, अरे सारा मुंबई महाराष्ट्र में आता है और सारा महाराष्ट्र इंडिया में आता है एग्जांपल से। तो देखिए इसमें क्या होगा, सम ए आर बी मतलब कुछ मुंबई महाराष्ट्र में आएगा, सही बात है, सम बी आर सी कुछ महाराष्ट्र इंडिया में आएगा, ये भी सही बात है, सम ए आर सी कुछ मुंबई जो है इंडिया में आएगा, ये भी सही बात है, तो इसका ये तीनों सही हो गया। अब ऑल पे आइए, ऑल ए आर बी अगर एस एस सी रेलवे और बैंकिंग ये पूछा है तो गलत मारेंगे, बोलिए क्यों, अभी हम बताए हैं कि अगर सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में तो उसको गलत ठोकना है। कंक्लूजन देखिए, यहाँ स्टेटमेंट में क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में भी यही पूछ रहा है तो ये गलत मारेंगे एस एस सी बैंकिंग रेलवे में, लेकिन बाकी में सही होगा, क्योंकि भाई ये सेम स्टेटमेंट पूछा है तो कंक्लूजन दिया है तो वही सही होगा ना, लेकिन एस एस सी बैंकिंग रेलवे इसको गलत मानता है, तो आप देखना है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको स्टेटमेंट सेम टू सेम मैच कर रहा है तो ये गलत होगा, ऐसे सही होगा, ऑल ए आर सी, ए आर सी में कनेक्शन कुछ नहीं दिया है तो ये सही होगा, ऑल ए आर सी होगा ना, सारा मुंबई इंडिया में आएगा। अच्छा फिर स्टेटमेंट पढ़िए, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, निगेटिव दिया जहाँ सब ठोक देना, इसको हमको सोचना भी नहीं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव की बात कर रहा है तो गलत ही होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि जब ऑल दिया रहता है, जब ऑल दिया रहता है और अंदर से बाहर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर से बाहर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें सम और ऑल सही होता है, ये आपको याद रखना है, हम सारा बोर्ड पे एक जगह लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। जब ऑल दिया रहता है दोनों को या पॉजिटिव रहेगा तो सम वाला सारा और ऑल वाला सारा सही होता है अंदर से बाहर की ओर। अब नेक्स्ट पढ़िए, बाहर से अंदर पूछेगा तो क्या होगा, देखिए बाहर से अंदर में देख लीजिए इसका नेक्स्ट, सम सी आर बी, सम सी आर बी होगा मतलब कुछ इंडिया में महाराष्ट्र आएगा ना, है ना, सम बी आर ए, सम बी आर ए मतलब क्या होगा, महाराष्ट्र मुंबई में आएगा, है ना, उसके बाद सम सी आर ए, तो सम वाला सही होगा, ठीक। लेकिन ऑल सी आर ए सारा ही इंडिया में मुंबई आएगा, नहीं आएगा, कुछ राजस्थान भी आएगा, कुछ गुजरात भी आएगा, तो इसमें जो बाकी तो दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों तो हमको चेक नहीं करना, सीधे निगेटिव ठोक देना है, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब अब क्या है, बाहर से अंदर वाला कंसेप्ट हो रहा है तो उसमें जो है ऑल भी खत्म, खाली सम होगा, समझ में आ रहा है, खाली सम सही होगा, ऑल भी साफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें जो है बाहर से अंदर की ओर में खाली कुछ बचा, कुछ में कुछ कुछ बचा था, उसका तीसरा गलत था, उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऑल में अंदर से बाहर में कुछ और ऑल सभी दोनों आता था, लेकिन बाहर से अंदर में खाली सम सही होगा, बाकी सब गलत होगा, तो इसमें पढ़ना भी नहीं है आपको, सीधे ठोक देना है गलत। नेक्स्ट, अब तीसरा है नो, नो वर्ड पकड़ना है, पहला ही स्टेटमेंट निगेटिव दिया है, चेक कर लीजिए इसको कैसे बनाएंगे, फिगर देखिए, नो ए आर बी मतलब एक ही स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग है, डायग्राम अलग अलग बनेगा। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए कौन कौन सही होगा, देखिए नो ए आर बी है मतलब ये कुछ नहीं, कोई नहीं, जो समझना है समझ लीजिए, यही मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ तो निगेटिव स्टेटमेंट है और निगेटिव पूछा है तो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जब दोनों पॉजिटिव था तो निगेटिव वाला सीधे काट दे रहे थे, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा। तो
तो देखिए नो ए आर बी मतलब ए और बी दोनों में से कोई नहीं है, अलग अलग है, तो सम ए आर बी होगा कभी, कुछ ए बिल्कुल सेपरेट है नहीं होगा, सम बी आर ए ये भी नहीं होगा, तो दोनों गलत हो गया। हाँ तो निगेटिव वाले में पॉजिटिव स्टेटमेंट ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। सम ए आर बी हो गया, उसके बाद ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए, ऑल तो सवाल ही नहीं उठता है जब नो ही आ गया तो। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है, सही बात है, जब पूरे ए बी नहीं है तो कुछ ए तो बी नहीं होगा, है ना। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो है ए नहीं है, पूरे बी ए नहीं है तो कुछ बी सही होगा। अच्छा नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, बैंकिंग रेलवे इस सब में पूछेगा तो नहीं मारना है गलत, क्यों स्टेटमेंट सेम हो गया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम हो गया, बैंकिंग रेलवे और एसएससी पूछा तो गलत मारना है, ऐसे नॉर्मली सही होगा। नो बी आर ए तो सही होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, जब स्टेटमेंट निगेटिव दिया है, नो से स्टार्ट किया है स्टेटमेंट, तो उसमें सम और ऑल साफ हो गया, क्या बचा आपके पास, नॉट वाला खाली बचेगा, है ना। अब थोड़ा देर इसको रोकिए, अब देखिए एक और होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब मे बी कैन बी ऐसा स्टेटमेंट देगा कि इट मे बी करेक्ट इट मे नॉट बी इस तरह से। तो जब पॉसिबिलिटी संभावना वाला क्वेश्चन आ जाए कि संभावना क्या होगा, तो संभावना का रूल क्या है कि अगर कंक्लूजन कोई एक भी डायग्राम से सही है, मेन डायग्राम जो हम बना रहे थे और पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम से बना रहे थे, दो को डायग्राम बना के सोच रहे थे कि एकदम एक्सट्रीम केस भी होगा तो ऐसा होगा, तो कोई एक भी डायग्राम से अगर ये सही होगा तो सब में सही होगा। जैसे पॉसिबिलिटीज के अलावा जो है सम वाला में क्या पढ़े थे अभी हम, सम वाले में क्या पढ़े थे, मतलब अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है तो कोई एक भी डायग्राम से गलत हो गया तो उसको गलत मार देंगे, यही रूल था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, उसमें क्या होगा कि अगर कंक्लूजन जो है कोई एक भी डायग्राम से सही है तो उसको पक्का सही मानेंगे पॉसिबिलिटीज में, समझ में आ गया। अब सम बुक्स आर पेंसिल्स कैसे बनाएंगे फिगर में, और सम पेंसिल्स आर पेंस, तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या है कुछ कुछ, और यहाँ भी है कुछ कुछ, तो हमको बनाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूल कुछ कुछ में कुछ कुछ ही सही होता है, कुछ कुछ गलत भी होता है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो सम बुक्स आर पेंसिल्स, तो कैसे बनेगा, कुछ बुक जो है पेंसिल है, ये बुक हो गया ये पेंसिल हो गया, कुछ बुक पेंसिल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सम पेंसिल्स आर पेंस, सम पेंसिल्स जो होगा यहाँ पेन हो जाएगा, क्यों ये अलग क्यों बनाए आप, इसमें भी मिक्स क्यों नहीं किए, इसका रूल है कि जब क्वेश्चन में रिलेशन नहीं बता रहा है पेंसिल और पेन बुक का तो उसको हम मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा स्टेटमेंट से ये फिगर बना, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कंक्लूजन में सम पेंसिल्स आर बुक्स, कुछ पेंसिल्स जो है बुक है, सही बात है ये, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सम पेंस आर बुक, सम पेंस आर बुक ये गलत है, सम पेंस आर बुक जो है होगा नहीं, ये हो भी सकता है पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सम वर्ड लिखा है तो नहीं होगा क्योंकि कन्फर्मेशन बोल रहा है, मे भी बोलता तो सही मारते ठीक है, मे भी बोलता तो पॉसिबिलिटीज वाला फिगर में ही, हम बताए थे ना पॉसिबिलिटीज वाला तीनों फिगर में मर्ज ऐसे ऐसे मर्ज होता है, तो पॉसिबिलिटीज वाले में ही आता, ऐसे नहीं आएगा। तो पहला सही है दूसरा गलत है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम डेज आर मंथ ऑल, अच्छा मिक्स कर दिया है तब तो बनाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है दूसरा है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सम डेज आर मंथ, कुछ डेज जो है मंथ है, तो कुछ डेज जो है मंथ है ये बन गया। ऑल मंथ्स आर ईयर्स, जितना भी मंथ है वो ईयर है, तो सारा मंथ को ईयर में घुसाया। अब आप बोलिएगा कि सर डे को पूरा कवर क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको डे और ईयर में रिलेशन नहीं दिया इसलिए हम डे को पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज में आएगा लेकिन कंफर्मेशन में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है, पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल डेज आर ईयर्स, जितना भी डेज है ईयर्स है, गलत होगा, सारा डे ये कुछ बाहर भी भाग रहा है। सम ईयर्स आर नॉट मंथ्स, अब बताइए इसको हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये निगेटिव बोला, ऐसे ही गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा, इसको चेक ही नहीं करना है, अभी पढ़ाए ना आपको,
रूल नंबर टू क्या बोला है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव है तो सीधे गलत मारना है, चेक नहीं करना है हमको। ठीक है, चेक नहीं किए, पहला गलत दूसरा गलत, लेकिन जब दोनों गलत हो जाता है तो हमको आइदर और का पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। तो आइदर और में क्या बोला है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, ज़्यादातर एलिमेंटे से पकड़ाता है। एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ डेज है, यहाँ ईयर्स है, यहाँ ईयर्स है, मंथ है, नहीं तो ये आइदर और नहीं होगा, नाइदर नॉर होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ नाइदर नॉर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा में क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल काइट्स आर रेड, ऑल स्क्वायरल्स आर रेड। अच्छा देखिए, यहाँ इसको नहीं बनाना पड़ेगा, दोनों ऑल है, जब हम क्या बताए हैं ऑल है और इनर से आउटर होगा तो सम ऑल दोनों सही होता है, आउटर से इनर होगा तो खाली सम सही होता है। तो इसमें पूछिए तो क्या पूछ रहा है कंक्लूजन, सम काइट्स आर रेड, पहले फिगर में देख लीजिए कि इनर से आउटर है, ऑल काइट्स आर रेड, काइट्स और ये रेड, तो ये क्या हो गया, ये रेड हो गया। ऑल स्क्विरल्स आर रेड, तो ये रेड, रेड के अंदर जो है स्क्विरल्स आया है, तो ये स्क्विरल्स है। अब इनर से क्या पूछा है, देखिए सम काइट्स आर रेड, इसका मतलब कि इनर से आउटर पूछा है, हाँ तो ऑल पूछा है ना, कौन ये, अरे हम खाली इसको उसके लिए चेक कर रहे हैं कि अंदर से पूछा है कि बाहर से पूछा है, ये नहीं भी बनाना है, हम खाली ये बता रहे हैं कि अंदर से पूछा है। काइट्स आर रेड बोले तो काइट अंदर है, रेड बाहर है, तो ये अंदर से बाहर है, तो सीधा सीधी अंदर से बाहर वाले में सम ऑल दोनों सही होता है, तो हमको चेक नहीं करना है, सीधा सीधी सही होगा ये। सम काइट्स आर स्पिरल्स, सम काइट्स आर स्पिरल्स, सम काइट्स आर स्पिरल्स, ये भी सही होगा क्योंकि अंदर से बाहर हो रहा है, अंदर से बाहर हो रहा है तो वो भी सम जो है सही होता है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो स्पिरल्स जो है हम कहीं बाहर बना देंगे, तो सम काइट्स आर स्पिरल्स रिलेशन ही नहीं दिया है तो हम कैसे ले लेंगे, तो पॉसिबिलिटीज है, मे भी बोलता तो आंसर पक्का सही होता, लेकिन जब सम बोल दिया है पॉसिबिलिटी अलग दे दिया है, तो ये क्या होगा, एसएससी का क्वेश्चन ऐसे थोड़ा टिपिकल आया है, तो सम ऑफ काइट्स आर स्क्विरल्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हाउस, अब देखिए कि क्या इनर आउटर है क्या, ऑल हाउस आर शॉप, जितना भी हाउस जो है वो शॉप है, ये हाउस है ये शॉप है। उसके बाद ऑल शॉप आर ऑफिस, इसका मतलब कि ये इनर से आउटर वाला लड़ जाएगा, है ना, अभी हम बनाने का जरूरत नहीं है, जब ऑल पूछता है सम हाउसेज आर ऑफिस, सम हाउसेज आर नॉट ऑफिस, तो जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएगा, तो आइए सही हो जाएगा, क्योंकि अभी पूछे हैं कि जब इनर से आउटर होता है तो सम और ऑल दोनों सही होता है, तो ये पूरा इनर से आउटर ही पूछा ना, तो ये पक्का सही हो जाएगा, और सम आर नॉट ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव पूछ दिया तो गलत होगा। दूसरा रूल और ये वाला चौथा रूल, तीन चार पाँच पाँचवा रूल, अरे छठा ऑल वाला, तो ये आपका किस पे काम किया, इस पे काम किया और इस पे काम किया, आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर ये पूरा फिगर ये पूरा बोर्ड आपको याद है ना तो फिर आप डायरेक्ट मार सकते हैं। बताइए पहला सही हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए 40% 40% मतलब सम है ना, तो 40% मतलब सम होगा, तो 40% लड़का सम लड़का शिक्षित है, तो बॉयज एजुकेटेड, तो सम बॉयज जो है एजुकेटेड है, तो ऐसे बनेगा सम बॉयज जो है एजुकेटेड है। उसके बाद ऑल टीचर्स आर टीचर्स, जितना भी शिक्षक है वो शिक्षक है, हिंदी से पकड़ाएगा ठीक है ना, सभी शिक्षित जो है, जितना 40 जो है शिक्षित था, अब सभी शिक्षित जो है शिक्षक है, शिक्षित वाला ये था, ये ऐसा जाएगा, ये टीचर का आएगा, फिगर समझ में आया। अब बताइए कंक्लूजन, सम बॉयज आर टीचर आ रहा है क्या, सम बॉयज टीचर है चलेगा, सम आर एजुकेटेड बॉयज, सम आर एजुकेटेड बॉयज, ये भी चलेगा, दोनों सही है ना। नेक्स्ट, तो दोनों सही है तो ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द पाथ्स आर सिंपल, और दूसरा क्या है, सम द पाथ, अच्छा ऑल सम मिक्स कर दिया तो फिर बनाना पड़ेगा, ऑल द पाथ्स आर सिंपल, जितना भी पाथ है वो सिंपल है, तो ये हो गया पाथ
ये हो गया सिंपल, ये पाथ हो गया, ये सिंपल हो गया। सम पाथ्स आर स्पेशल, कुछ पाथ जो है स्पेशल है, तो ये जब कनेक्शन नहीं दिया है सिंपल वाले से तो इसको हमको बाहर लेना पड़ेगा, मतलब खाली अंदर ही मर्ज नहीं करना पड़ेगा, तो ये स्पेशल हो गया। ठीक है, समझ में आया फिगर। ऑल पाथ आर सिंपल, तो सिंपल को एस आई लिख दे रहे हैं। ऑल पाथ आर सिंपल, तो ऑल पाथ आर सिंपल तो बॉक्स के अंदर बॉक्स, लेकिन यहाँ सम वर्ड लिखा था लेकिन सिंपल से रिलेशन नहीं दिया था, तो हमको सिंपल से बाहर लेना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, कनेक्शन नहीं दिया ना। अब बताइए, ऑल द पाथ्स आर लाइकली टू बी स्पेशल, लाइकली टू बी मतलब पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज हो रहा है तो कोई एक भी सही होगा तो सही मार देंगे। तो ऑल द पाथ आर लाइकली टू बी स्पेशल, जितना भी पाथ है तो सम का तो स्पेशल का है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम सिंपल आर स्पेशल, सम सिंपल आर स्पेशल, सम सिंपल आर स्पेशल होगा है ना, जब पाथे पूरा उसके अंदर में है तो उसका तो कुछ आएगा ही आएगा, दोनों सही होगा। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रेन आर क्लेवर, जितना भी बच्चा है वो क्लेवर है, ये हो गया क्लेवर हो गया। सम स्मार्ट आर क्लेवर, सम स्मार्ट जो है क्लेवर है, तो ये बाहर लेना पड़ेगा, तो ये स्मार्ट हो गया। ठीक है, सम स्मार्ट क्लेवर है ना। तो अब बताइए, सम चिल्ड्रन आर ड्राइवर, अरे ड्राइवर कहाँ से आ गया, अच्छा वो मिस्टेक होगा। अच्छा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर कट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर कट गलत है, काहे कि नॉट लिखा है, दो पॉजिटिव सेंटेंस में एक नेगेटिव आ गया तो इसका बात खत्म, मर्द के साथ औरत नहीं मैच करेगा, यहाँ पे वेन डायग्राम में नहीं करना है। अच्छा, सम चिल्ड्रेन आर यहाँ पे क्लेवर होना चाहिए, ठीक है, तो चाहे ड्राइवर होना चाहिए, जो पूछना चाह रहा हो, यू प्रिंटिंग मिस्टेक है, सम चिल्ड्रेन आर ड्राइवर होगा, कुछ चिल्ड्रेन ड्राइवर है तो पूरे चिल्ड्रेन ड्राइवर है, तो पहला स्टेटमेंट सही है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये ड्राइवरे सही है, हमको लगा मिस्टेक है, वो ड्राइवरे है, तो ड्राइवर तो कुछ रिलेशन नहीं दिया था तो दोनों सही होगा, अरे दोनों गलत होगा, तो जब दोनों गलत होगा तो यहाँ पर रिलेशन क्या दिया था, बैक कीजिए, अच्छा इसी में दिख रहा है ना, दोनों एलिमेंट सेम है क्या, चिल्ड्रेन ड्राइवर, चिल्ड्रेन ड्राइवर, हाँ सेम है, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये वाला आइदर और वाला पूरा फॉलो कर रहा है। देखिए दोनों गलत हो गया, एलिमेंट सेम है और एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, इसका मतलब कि आइदर और वाला फॉलो हो गया। ये जब दोनों गलत होगा स्टेटमेंट तो ये ड्राइवर था, ड्राइवर का रिलेशन नहीं दिया था तो हम लोग गलत ही मानेंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ये वाला अगर आपको याद है तो एग्जाम में आप बना देंगे। क्या है क्वेश्चन, ऑल पोटैटोज आर ओनियंस, तो जितना भी पोटैटो है वो ओनियन है, ये पोटैटो हो गया ये ओनियन हो गया, इसमें एक और नॉट वाला कंसेप्ट आएगा, अभी आ रहा है, देखो नो जिंजर इज ओनियन, नो वाले का फिगर कैसे बनाते हैं वही हम उसको यहाँ पे नहीं बताए क्योंकि आपको कुछ भी हवा नहीं लगता, अब बता रहे हैं क्वेश्चन में ताकि हवा लगे। नो जिंजर इज ओनियन, नो जिंजर इज ओनियन मतलब कैसे बनाएंगे, ओनियन बोले तो बाहर है, यहाँ पे कोई भी, इसका मतलब कि इससे बाहर हम एक बना दे रहे हैं और यहाँ पे बाउंड्री बना देंगे, इसका ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन, क्रॉस खाला से कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा, ठीक है, तो इसका फिगर ऐसे बनता है, तो ओनियन है यहाँ पे जिंजर है, तो ये फिगर कैसे बना, दोनों को बाहर बाहर बनाएंगे क्योंकि कोई भी जिंजर ओनियन नहीं है, तो नहीं जब वर्ड है और बाहर लिखना है तो यहाँ पे क्रॉस देंगे और दो को बाउंड्री लेयर बनाएंगे, मतलब ये यहाँ घुस नहीं पाएगा, ऐसे इसका फिगर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम जिंजर सार पोटैटो, कुछ जिंजर पोटैटो है, कहाँ से सवाल ही नहीं उठता है, या पूरा ओनियन ही नहीं है तो वो कहाँ से आएगा, ओनियन के अंदर है पोटैटो। सम जिंजर सार नॉट पोटैटो, कुछ जिंजर जो है पोटैटो नहीं है, तो ये सवाल सही है, कैसे कैसे ही है, क्योंकि नॉट लिखा है, तो भाई सारा का सारा जिंजर पोटैटो नहीं है, तो कुछ जिंजर तो पोटैटो नहीं है, सही होगा ना,
है ना, तो पहला गलत है दूसरा सही, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए, ऑल डॉग्स आर वुल्फ्स, नो डॉग्स आर लायंस। अब नो पे दो चार को क्वेश्चन लाइने से बना लीजिए, आपका कंसेप्ट 20 क्वेश्चन हम बनाए हैं, 20 क्वेश्चन जो है बहुत तगड़ा है, अगर ये पूरा आप अच्छे से समझ जाइएगा तो इससे क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ऑल डॉग्स आर वुल्फ्स, क्या होगा, जितना भी डॉग्स है वो वुल्फ्स है, ये डॉग्स हो गया ये वुल्फ्स हो गया, ठीक है। नो डॉग्स आर लायंस, कोई भी डॉग्स जो है लायंस नहीं है, तो जब रिलेशन हमको नहीं दिया है वुल्फ और लायन का तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट बनाएंगे और यहाँ पे बाउंड्री बना देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो हमको रिलेशन डॉग और लायन का दिया है, उल्फ्स का नहीं दिया है, ठीक है, तो हम उल्फ से कनेक्शन उसको नहीं रखे हैं। अब क्या बोल रहा है, सम उल्फ्स आर लायंस, कुछ उल्फ्स जो है लायंस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव बोलेगा तो हम पक्का नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले में नियम क्या है, अगर एक वो भी गलत हो गया तो कंक्लूजन गलत मनाएगा, तो इसलिए सम उल्फ्स आर लायंस जो है गलत मानेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन हमको दिया नहीं है तो हम कैसे बता सके। अच्छा, सम उल्फ्स आर नॉट लायंस, निगेटिव वाला में हम ले सकते हैं, कुछ उल्फ्स जो है लायंस नहीं है, ये हो सकता है, तो पहला गलत दूसरा सही है ना। नेक्स्ट, दोनों गलत होगा, नहीं नहीं दोनों गलत होगा, क्यों दोनों गलत होगा, क्योंकि उल्फ्स और लायंस का कोई रिलेशन नहीं है, तो ना नॉट में बता सकते हैं ना सही में बता सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है ना कुछ भी, लायन कहाँ अलग है उल्फ कहाँ अलग है, जब कनेक्शन नहीं दिया हुआ था एग्जाम क्वेश्चन में, कनेक्शन इसमें नहीं दिया है ना जी, तो इसमें कनेक्शन नहीं दिया है तो हम इसको अलग अलग बनाएं, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब कनेक्शन नहीं देगा तो उसको रिलेट नहीं करना है, सेपरेट बनाना है वेन डायग्राम में, तो इससे पूछता तो बनाते, लेकिन इससे पूछ रहा है तो सीधा सीधी गलत होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फिगर से क्या बता रहा, फिगर से आपको जो समझ में आ रहा वही ना बनाइएगा, तो फिगर से यही था ना, सम उल्फ्स आर लायन, कुछ उल्फ्स लायन है, दिख रहा है क्या, नहीं है कुछ उल्फ्स लायन नहीं है, ये भी नहीं है, एको को नहीं है कुछ क्या, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होगा इसका, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है लेकिन दोनों उल्फ लायन का बात कर रहा था, तो ये क्या होगा, आइदर और होगा, क्यों, क्योंकि दोनों गलत था और दोनों का एलिमेंट उल्फ लायन था, और एक को पॉजिटिव पूछा था एक को नेगेटिव पूछा था, तो ये वाला कंसेप्ट पर आएगा, आइदर और होगा उसका आंसर सी। अब क्या बोल रहा है, सम कॉपीज आर बुक, कुछ कॉपी जो है बुक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सम वाला तो सिंपल है, सम कॉपी जो है बुक है। नो बुक्स आर टेबल्स, अब देखिए बुक से रिलेशन हमको लेना है लेकिन टेबल कॉपी से हमारा कुछ नहीं मामला है, यहाँ पे ऐसे कर दिए क्रॉस कर दिए, ये बाउंड्री बना दिए यहाँ और क्रॉस कर दिए, ऐसे ही बनाते हैं इसका है ना, तो ये हो गया टेबल। अब क्या बोल रहा है, सम कॉपी टेबल्स आर नॉट, अच्छा वो थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा दिया हुआ, सम कॉपी आर नॉट टेबल्स, कुछ कॉपी जो है टेबल्स नहीं है, तो ये तो कॉपी और टेबल्स का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है, माइट भी बोलता तो हम सोचते, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम कॉपी टेबल्स मे बी, हाँ मे बी जब बोलेगा तब हम लोग कोई भी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, तो मे बी बोलेगा तो ये कॉपी टेबल रिलेशन हो सकता है कि भाई इधर से मैच करके वो ये ऐसे ऐसे बाउंड्री आया था दोनों के बीच में, हो सकता है ना, तो जब मे बी बोलेगा तो मे बी में रूल क्या है, पॉसिबिलिटीज में रूल है कि कोई भी कंक्लूजन सही है हमको सही लेना है, और पॉजिटिव वाले में क्या था, कोई भी गलत हो गया तो गलत मानना है, इसीलिए सम वाले में हम सीधे सीधे गलत मान दिए कि भाई रिलेशन नहीं बन रहा तो कहाँ से है ना, तो मे बी वाले में हम सही लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बताइए पहला गलत दूसरा सही क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, देखिए प्रैक्टिस का खेल है, आज पहला दिन ऐसे थोड़ा लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो। ऑल पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल्स आर फ्रेम्स, ऑल पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल्स आर फ्रेम्स, मतलब कि अंदर के अंदर है ना, ऑल पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल्स आर फ्रेम्स, ऐसा ही पूछा है ना, तो ऑल फ्रेम्स आर फोटोग्राफ्स, अच्छा उल्टा आ रहा है, देखिए किधर से आ रहा है, अब इसको बनाने का जरूरत नहीं है, हम पढ़े हैं रूल, ऑल में क्या रूल पढ़े हैं, आउटर से इनर जब आएगा तो खाली सम वाला सारा सही होगा, ऑल वाला गलत हो जाएगा,
तो ऑल फ्रेम्स आर फोटोग्राफ्स, मतलब हम लोग कैसे आ रहे हैं, ऐसे पूछा है रिलेशन, मतलब हम लोग डायरेक्शन किधर है, आउटर से इनर, तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा। अभी हम पढ़े हैं कि आउटर से इनर, आउटर से इनर में खाली समय वाला सही होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल ब्यूटीफुल आर पिक्चर्स, ये भी क्या है, ऐसे रिलेशन आ रहा है, ये भी आउटर से इनर है, तो खाली सम वाला सही होता है, तो दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट नॉट तो था ही नहीं, तो सीधे सीधी नाइदर नॉर होगा, डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन है ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स आर प्रिंटर्स, फिर वही क्वेश्चन है, ऐसा ही पैटर्न बनेगा, खाली इसका हम ये बदल दे रहे हैं, पहला क्या था ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, दूसरा है ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर्स, यही होगा। क्वेश्चन क्या है, ऑल प्रिंटर्स आर लैपटॉप, देखिए इसमें भी वही पूछा है, और सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप, सम वाला सही होगा। क्या बताएं, आउटर से इनर जब जाएंगे तो खाली सम वाला सही होता है, तो आउटर से इनर में सम वाला सही होता है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो फैंस आर कूलर्स, नो कूलर्स आर रेफ्रिजरेटर्स, देखिए इसमें दोनों नोए पूछ दिया, नो फैंस आर कूलर्स, यहां फैन हो गया, यहां कूलर हो गया, और दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बाउंड्री, और बीच में ऐसे क्रॉस, ठीक है। उसके बाद नो कूलर्स आर रेफ्रिजरेटर्स, नो कूलर्स आर रेफ्रिजरेटर्स, तो यहाँ पर ऐसे ये रेफ्रिजरेटर्स, ये ऐसे ऐसे बाउंड्री और बीच में क्रॉस, ऐसे बनाते हैं इसको। देर आर नो फैन फ्रिजेज, फ्रिजेज मतलब रेफ्रिजरेटर, तो नो फैन फ्रिजेज, कनेक्शन नहीं है तो सीधा सीधी गलत मानेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि कन्फर्म बोल रहा है, और कन्फर्म स्टेटमेंट में कोई एक वो भी गलत होता है तो सभी गलत मानते हैं, तो पहल का गलत। सम बींग्स आर लाइकली टू बी, लाइकली टू बी है, तो लाइकली टू बी में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज में क्या है, एक को वो सही होता है तो हमको सही मानना पड़ता है, तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही, समझ गए। तो पहला गलत, दूसरा सही, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, पॉसिबिलिटीज में हमारा एक भी बने, एक्सट्रीम केस भी होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल सन्स आर मून्स, 20 क्वेश्चन है, 13 पे आ गए हैं, ऑल सन्स आर मून्स, जितना भी सन्स जो है वो मून्स है, ठीक है। सम आर सन प्लैनेट्स, सम सन जो है प्लैनेट्स है, तो सम सन जो है प्लैनेट्स है, तो हमको बाहर भी घुसाना पड़ेगा, क्योंकि मून और प्लैनेट में रिलेशन नहीं दिया है, हम इसलिए बाहर भी लेके जाएंगे उसको। ऑल मून्स आर सन, ऑल मून्स आर सन है, नहीं है, क्योंकि हाँ है ना, पूरा मून के अंदर ही सन है तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, उल्टा पूछा। अब जैसे ये मान लो महाराष्ट्र है, तो ऑल इंडिया महाराष्ट्र होगा, नहीं होगा ना, तो पहला गलत हो गया, तो ऑल मून में ये वाला पोर्शन थोड़ी सन में आ रहा है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट ऐसी हवा के लिए है, समय होता है ना, एटलीस्ट मतलब जरूरत नहीं है, एटलीस्ट का मतलब भी सम ही होता है, ठीक है। तो सम मून्स आर प्लैनेट्स, सम मून्स आर प्लैनेट्स, सम मून्स आर प्लैनेट्स होगा कन्फर्म, क्योंकि सन से प्लैनेट है तो ये तो उसी के अंदर में है सन, तो ये फिगर सही समझ में आ रहा, सही है ना, तो पहला गलत दूसरा सही। नेक्स्ट, ऑल डांसर्स आर आर्टिस्ट, क्या है, ऑल डांसर्स आर आर्टिस्ट, ऑल डांसर्स आर आर्टिस्ट, ये डांसर हो गया, ये आर्टिस्ट हो गया, ऑल आर्टिस्ट आर रनर्स, ये सबसे सिंपल होता है जब ये पैटर्न पकड़ लिया तो, है ना। अब देखिए नो डांसर, ये तो ऐसी पकड़ना ही, पढ़ना ही नहीं है हमको, दो अच्छा यार नो है रे भाई, हम ऑल पढ़ लिए, दूसरा हो गया, दूसरा क्या है, नो आर्टिस्ट आर रनर्स, कोई भी आर्टिस्ट जो है रनर्स नहीं है, इसका मतलब कि हम इसको बाहर बनाएंगे, है ना, ये बाहर बनाएंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे और बीच में क्रॉस मारेंगे, फिगर तो बन गया, फिगर बनाना ही मेन है, फिगर बन गया तो हिसाब बन जाएगा, नो डांसर्स आर रनर्स, कोई भी डांसर्स जो है रनर्स नहीं होगा, सही बात है। एटलीस्ट सम मतलब वही, सम डांसर्स आर रनर्स, सम डांसर्स जो है रनर्स होगा, गलत होगा, फिगर ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, मैं भी बोलता तो सोचते भी, ठीक है। तो पहला सही दूसरा गलत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आ जाइए तीन तीन वाला, आखिरी का 5 क्वेश्चन जो है तीन तीन वाला आपके, थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। सम फ्लॉपीज आर कीबोर्ड्स, सम फ्लॉपीज जो है कीबोर्ड्स है, चलिए
सम फ्लॉपी जो है कीबोर्ड्स है, उसके बाद ऑल कीबोर्ड्स आर स्पीकर, जितना भी कीबोर्ड्स है वो स्पीकर है, इसको पूरे में कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमको रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। ऑल स्पीकर्स आर मोनिटर्स, जितना भी स्पीकर है वो मोनिटर है, इसको भी हम पूरे में कवर नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पोर्शन बाहर रखेंगे क्योंकि हमको रिलेशन जो है फ्लॉपी से नहीं दिया है। अब बताइए सम मोनिटर्स आर फ्लॉपी, कुछ मोनिटर जो है फ्लॉपी है, हो सकता है फिगर से दिख रहा है। ऑल कीबोर्ड्स आर मोनिटर्स, जितना भी कीबोर्ड्स है वो मोनिटर है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स, इसका मतलब क्या होगा, कुछ की जो है लॉक्स है। एनी लॉक्स आर डोर्स, सम कीज आर लॉक्स, एनी लॉक्स आर डोर्स, एनी लॉक्स आर डोर, कोई भी लॉक जो है डोर्स है, मतलब कि ये सारा लॉक्स डोर्स है ना। एनी मतलब क्या होगा, वही ना, कुछ ताले दरवाजे हैं, तो कुछ ताले दरवाजे हैं बोलो तो कैसा होगा, ऐसा। उसके बाद ऑल डोर्स आर विंडो, जितना भी डोर्स है वो विंडो है, तो ये ऐसा रिलेशन नहीं दिया है तो पूरा कवर नहीं करेंगे, है ना। अब बताइए सम कीज आर डोर्स, दिख रहा है क्या, कुछ कीज डोर्स है, सवाल नहीं पैदा होता है। दूसरा क्या है, सम विंडोज आर लॉक्स, कुछ विंडो लॉक्स है, ये सही है ना। फिगर बन गया, एक बार फिगर बन गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बताइए सीधा, अब इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है, देखिए बनाया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है, इसी में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ऑल आइलैंड्स आर क्या है, ऑल आइलैंड्स आर कंट्री, देखिए ये आइलैंड्स मैंने हिंदी में बनाया हुआ है, ये द्वीप है और कंट्री है, ठीक है, तो सारा आइलैंड्स जो है कंट्री, ये आइलैंड्स जो है कंट्री के अंदर आ गया। ऑल कंट्री कॉन्टिनेंट्स आर आइलैंड्स, जितना भी जो है महाद्वीप जो है द्वीप के अंदर है, तो ये महाद्वीप भी है द्वीप, इसमें रिलेशन नहीं दिया, कंट्री में रिलेशन नहीं दिया इसलिए इसको अंदर ही मारेंगे, है ना। द्वीप महाद्वीप में ऑल प्लैनेट्स आर कंट्रीज, जितना भी प्लैनेट्स है वो कंट्री है, तो ये भी जो है बाकियों में रिलेशन नहीं दिया, हमको रिलेशन किससे दिया, प्लैनेट से और कंट्री से, तो खाली इसके अंदर ही मारेंगे, इसके अंदर नहीं घुसाएंगे उसको, समझ में आया बात, रिलेशन जिससे नहीं देता। आप बताइए सम कंटिनेंट्स आर नॉट कंट्री, कुछ कंटिनेंट्स, देखिए जब ऑल 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 रहता है सारा, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो सीधे काट देंगे, और दूसरा भी नेगेटिव था, सॉरी तो फिगर बनाना ही नहीं था हमको, बेकार ही बना दिए, ये दो तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट था, यहाँ दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट, डायरेक्टे काट देना था, ये फिगर बढ़ने वाला था ही नहीं, इसलिए कंक्लूजन एक बार देख लिया कीजिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ऑल है, यहाँ नोट दे दिया है तो बनाना पड़ेगा, ऑल बसेज आर स्कूटर्स, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ क्या बनाया हुआ है, ऑल बसेज आर स्कूटर्स, जितना भी बस है स्कूटर के अंदर है, देर आर नो स्कूटर ट्रेन, तो ट्रेन और स्कूटर में कोई रिलेशन नहीं किया है, सेपरेट ऐसे ऐसे करके काट दिया है, ठीक है। अब बोला है सम ट्रेन्स आर जीप, कुछ ट्रेन जो है जीप है, फिगर सिंपल है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, देर इज नो बस ट्रेन, बस और ट्रेन में कोई रिलेशन नहीं है, सही बात है, सिंपल दिख रहा है क्लियर फिगर में, सम जीप सारा स्कूटर, कुछ जीप जो है स्कूटर है, कहाँ से, सवाल ही नहीं होता, ये कहाँ अंदर क्या है इधर, अगर मैं भी बोलता तो कुछ सोचते भी, तो ये गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, अरे पहला सही दूसरा गलत हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट सवाल, ठीक है, ऑल नॉइज इज बीच, देख लीजिए इसका, ऑल नॉइज, सभी शोर जो है बीच है, तो सभी शोर हो गया बीच है, फिगर बना लिए, कुछ बीच कोस्ट है, कुछ बीच को कोस्ट बना लिए, शोर से रिलेशन नहीं था इसलिए बाहर बना दिए, सभी बैंक कोस्ट है, बैंक कोस्ट का रिलेशन है, ये दोनों से रिलेशन नहीं दिया इसलिए उसके अंदर में डाले, बाहर इसमें नहीं डाले, रिलेशन हमको कनेक्ट नहीं दे रहा है तो नहीं करना है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सम कोस्ट, सम बैंक्स आर कोच, अच्छा हिंदी में पढ़ा, कुछ बैंक बीच है, कुछ बैंक जो है बीच है ना, तो बाहर आ रहा है, कुछ कोस्ट शोर है, कुछ कोस्ट शोर है, ये भी बाहर आ रहा है शोर से, दोनों गलत हो गया, तो समझ गए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, अभी जो सिनोजिज्म से जो डर लगता था वो डर नहीं लगेगा आपको। ओके थैंक यू।